time we have seen reactions, preparation of alkyl halide from alcohol. Alcohol से alkyl halides का preparation कैसा होता है? उसमें we have seen alkyl chlorides का preparation we have seen that is carried out with in presence of Lucas reagent that is HCl and zinc chloride के इसमें. ठीक है, तो इसमें we have seen अल्काइल हैलाइड्स ये होते हैं, अल्काइल क्लोराइड्स अपन इसमें फॉर्म प्रिपेयर करते हैं. ठीक है, दिस दिस आई हैव ऑलरेडी देयर इन द प्रीवियस वीडियोस. तो अल्काइल क्लोराइड प्रेजेंट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HCl एंड जिंक क्लोराइड व्हिच इज एन लुकस रिएजेंट. अब इसमें क्या होता है, प्राइमरी तो ये हो जाएगा, आइसो भी ये हो जाता है. ठीक है, आइसो आइसो अल्काइल अल्कोहल से भी हो जाएगा, बट फॉर टर्शरी यू डोंट नीड जिंक क्लोराइड. टर्शरी अगर ये रहेगा, टर्शरी अल्कोहल यानी एक कार्बन है जिसको अगेन यू हैव ऑल दिस थिंग. ठीक है, चारों तरफ ये है CH3 प्लस HCl. अगर आप ले लोगे तो इसमें यू डोंट नीड जिंक क्लोराइड, HCl से डायरेक्ट रिएक्ट कर लो. You will have, और अल्कोहल के साथ जो भी रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ हो रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड्स इन्हें हाइड्रोजन एंड क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड एडीन, इसमें आपका डिहाइड्रेशन होगा, दैट मीन्स द सेकेंड प्रोडक्ट विल बी वाटर. ठीक है, सेकेंड चीज आपका वाटर उसमें से रिलीज होगा, और इसमें क्या हो जाएगा, ओ एच की जगह पे यू विल हैव सी एल कमिंग इन. यहाँ पे भी ओ एच रिंग वहाँ पे यू विल हैव सी एल. ठीक है, दिस इज योर टर्शियरी. क्लियर, तो टर्शियरी के लिए आपको जिंक क्लोराइड की जरूरत नहीं है, बट अगर आपके पास आइसो अल्काइल अल्कोहल है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ आइसो प्रोपाइल. प्रोपाइल ये नहीं, यू हैव थ्री कार्बन राइट, ये HCl से ट्रीट हो रहा, अल्काइल क्लोराइड फॉर्म कर रहे, तो टेक दिस थिंग, बट दिस इज एन आइसो, तो यू नीड जिंक क्लोराइड ओवर योर. ठीक है, अब आइसोप्रोपाइल ये ने इसमें ब्रांच तीन है, तो ब्रांच तो नहीं होंगे, इसका मतलब अल्कोहल इसमें बीच वाले इस पर अटैच्ड होगा राइट. वन टू थ्री बॉन्ड हो गए, चौथा बॉन्ड इसका हाइड्रोजन के साथ आएगा. क्लियर, इसका एक है तो यू विल हैव थ्री हाइड्रोजन हो गया, थ्री हाइड्रोजन हो गया, दिस यू कैन राइट एज CH3 CH OH एंड CH3. क्लियर, दैट कैन बी रिटेन सच अ वे. ठीक है, तो ये हो गया आपका आइसोप्रोपाइल. आइसो में कैसा होगा, एक वाला चेन को कुछ ब्रांच रहता है, या तो उसको कोई न्यूक्लियोफिलिक अटैच रहेगा, या यू विल हैव CH3 अटैच टू इट. क्लियर, तो इसमें जिंक क्लोराइड होता है, बाकी नॉर्मल इसमें यू डोंट हैव दी द सेम. अब प्राइमरी इसमें जो ये रहता है उसमें आपको कुछ नहीं देंगे. अब अल्काइल क्लोराइड के बाद यू हैव अल्काइल ब्रोमाइड. ठीक है, अल्काइल ब्रोमाइड भी हो जाएगा. अल्काइल ब्रोमाइड करने के लिए आपको क्या चाहिए, और अल्काइल ब्रोमाइड व्हाट यू नीड इज अल्कोहल से प्रिपेयर कर रहे आर ओ एच है. ठीक है, प्लस यू नीड एच बी आर. क्लियर, बट एच बी आर जो है, एच बी आर इज नॉट स्टेबल. ठीक है, तो एच बी आर अपन कैसा प्रिपेयर करते हैं, एच बी आर विल प्रिपेयर इट फ्रॉम सोडियम ब्रोमाइड राइट, NaBr एंड H2SO4. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और NaBr ये करेंगे तो यू हैव दी, जब इसको यूज करेंगे, ठीक है, व्हेन यू हीट दिस तो यू हैव HOH आपके फिर निकल जाएंगे आपको यू हैव RBr. क्लियर, इसमें हमेशा याद रखना, यू विल ऑलवेज हैव दिस फॉर आइसोप्रोपाइल के लिए आपको क्या होगा, यू नीड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. ठीक है, बट सॉरी फॉर आइसो अल्काइल प्रोडक्ट के लिए यू विल नीड डाइल्यूट H2SO4 राइट, तो डाइल्यूट H2SO4 से भी हो जाएगा, बट नॉर्मल इसके लिए यू नीड अ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, That's clear.
dilute H2S होता। रिएक्शन इज द सेम, रिएक्शन आपका वही होगा, रिएक्शन आपका HCl के साथ जैसा हो रहा था वही हो रहा हो जाएगा। आई एम नॉट गोइंग इन टू मच डिटेल, लेट्स टेक इट। अगर आपके पास यू हैव अभी अपने सेम वो देखे थे राइट, लेट्स टेक अ बॉन्ड CH3। अगर आपके पास ये है एंड यू हैव HBr राइट, दिस इज कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ NaBr एंड H2SO4। जब इसमें रिएक्शन हो रहा है तो ये तो यू आर प्रिपेयरिंग HBr, तो इसमें कुछ नहीं, प्रोडक्ट आपका यही आएगा, OH यहाँ से निकल जाएगा। आई राइट द रिएक्शन, रिएक्शन ओके व्हाट यू आर गेटिंग ओवर। तो ये आपका CH3 आ गया, ये आपका CH आ गया राइट। तो Br आपका इसको अटैच होगा बिकॉज OH इज अटैच टू दिस कार्बन एंड दिस इज आइसोप्रोपाइल, क्लियर। अगर इसकी बात करें तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड राइट, बिकॉज वी हैव थ्री कार्बन, तो प्रोपाइल हो गया वो एंड बी आर अटैच है तो ब्रोमाइड, बट बी आर इसको अटैच है तो आइसो हो गया। यहाँ पे आइसो प्रोपाइल अल्कोहल बिकॉज ओ एच इज अटैच टू सी, ओ एच अटैच है तो अल्कोहल, क्लियर। देन यू हैव द सेम रिएक्शन विथ आयोडीन राइट, इसको अल्काइल आयोडाइड फॉर्म करना है तो डायरेक्ट यू विल हैव उसको हीट करते हुए Right. इसको तो कुछ नहीं, डायरेक्ट रिएक्शन आप ले लो HI, इसको हीट कर दो अल्कोहल, सॉरी बॉइल कर लो इसको, तो OH निकल जाएगा एंड यू विल हैव C2H5I, दैट्स क्लियर। ठीक है, व्हेन यू आर हीटिंग दिस विद कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोजन आयोडाइड यू विल हैव ethyl iodide and water molecule, clear? इसमें कुछ नहीं है, इसको normal heat कर दो and this will be finished. इसका हमेशा याद रखना है, second product आपका यहाँ से OH निकल गया, यहाँ पे आपका I आ गया and then you have H2O. Is this clear? चलो, अब let's see reaction with phosphorus halide. ठीक है? फॉस्फोरस हैलाइड मतलब यू हैव अ फॉस्फोरस, ठीक है, दिस आर दिस थिंग, ठीक है, फॉस्फोरस Cl Br एंड राइट, तो इसमें आपके पास आएगा PCl3 PCl5 PBr3 PBr5 PI3 and PI5. So you have this phosphorus trichloride, phosphorus phosphorus trichloride, phosphorus pentachloride, tribromide and pentabromide. तो अब इसमें अगर तुम देखेंगे तो सिर्फ पेंटा में this and this are not stable, only this is stable, right? ये stable है, ये भी आपका स्टेबल है राइट। तो फॉस्फोरस पेंटाब्रोमाइड और फॉस्फोरस पेंटाइडेट ये एग्जिस्ट नहीं होते, ठीक है, दिस ये दोनों डज नॉट एग्जिस्ट एग्जिस्ट, ठीक है, ये दो है, दिस एंड दिस आर लेस स्टेबल, ठीक है, ये दो एग्जिस्ट नहीं होते और वो दो जो है दे आर, सो फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड एंड फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड आर लेस स्टेबल एंड PCl3 स्टेबल एंड दिस, ये दो स्टेबल है। तो मोस्टली अभी इस पे तो रिएक्शन देखी नहीं अपन, लेट्स सी द रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड रिएक्शन ये करते हैं अल्कोहल के साथ, ये करना है राइट, अल्कोहल के साथ करना है तो आपको क्या करना है, यू हैव C2H5OH, दिस इज योर अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल प्लस लेट्स टेक फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, क्लियर, व्हेन दे आर रिफ्लक्स तो
phosphorus trichloride is refluxed with alcohol. Cl to aapka yahan chalega, let's balance this. There should be 3 Cl2, because ye Cl yahan aa jayega, so we'll have 3 C2H5 Cl3 and phosphoric acid. Clear? तो इसमें आपके पास यू हैव दिस इथाइल अल्कोहल फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड या यू गॉट सॉरी ये तीन नेम है इथाइल क्लोराइड एंड फॉस्फोरिक एसिड यू विल हैव क्लियर.